नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए अनार खाए जाते हैं, बीट खाए जाते हैं, पर हमें प्रकृति ने कुछ ऐसा साग दिया है जिसको बना करके खाने से शरीर में जो खून की कमी होती है उसे दूर करता है। और उसको कैसे बनाया जाता है और किस तरह बना के खाने से खून की कमी को दूर करता है और खून बढ़ाने में सहायक करता है, आप लोग को पूरी तरह से दिखाएंगे। यही साग है दोस्तों जिसको बना करके खाने से खून बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, लेकिन इसको कैसे बनाया जाता है और किस तरह बनाया जाता है और किस तरह बना करके खाने से खून बढ़ाने में सहायक होता है, आप लोग को पूरी तरह से दिखाएंगे। और इस साग का नाम है दोस्तों कुलेखेड़ा और डंगरकट्टा, मैंने बहुत प्रकार से इसको जाने जाते हैं। हमारे यहाँ तो हम लोग का भाषा में इसको कांटा कोयली साग भी बोलते हैं और ज़्यादातर लोग इसको डंगरकट्टा साग भी बोलते हैं और कुलेखेड़ा साग भी बोलते हैं। ये खेतों में होता है और जहाँ पर पानी का मात्रा होता है वहीं पर होता है और गर्मी के सीजन में ये पूरी तरह से सूख जाता है। और ये इस तरह से दिखता है, इसको अभी हम लोग तोड़ करके लाए थे और ये इसका जड़ है, ये देख सकते हैं, ये इसका जड़ है। यदि आप लोग पहचान रहे होंगे तो आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं होता है ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हमारे यहाँ भी होता है और कभी कभी ये सूख जाने के कारण मिलता नहीं है और इसको सुखा करके रख करके भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको बनाते हैं और कैसे बना करके खाने से इसका लाभ आपको मिलेगा मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। ये इतना थोड़ा सा लेते हैं, अभी बनाएंगे और बाकी को रख दिए रहेंगे, डेली इसको बना करके खाएंगे। इसको चाकू या छुरी से काटा नहीं जाता है, इसको हाथ से ही थोड़ा टुकड़ा कर दिया जाता है इस तरह से। इसका डंठल को भी खाया जाता है। तो तोड़ लेते हैं पहले और उसके बाद धो करके साफ कर लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कांटा होता है और इस कांटा को हटा देना है, इसीलिए ही इसको डंगर कांटा साग बोला जाता है। तो हम इसको हटा देते हैं। थोड़ा सावधानी से इसको साफ करना पड़ता है, कांटा को हटा देना पड़ता है, नहीं तो कांटा जो है ना पकता नहीं है, खाते समय चुभ सकता है। इसमें भी एक कांटा है, इसको भी हटा देते हैं। और इतना सा हम तोड़ लिए हैं, इतना ही हम बनाएंगे। इसको औषधि के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा ही। और इसमें भी कांटा है, इसको भी हटा देते हैं। और बाकी ये बचा हुआ है, इसको रोज़ इतना ही मात्रा में बना करके खाना है। थोड़ा सा इसको धो लेते हैं। एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं और इसमें ये इतना बड़ा मग में एक मग पानी लिए हैं, इसको डाल देते हैं और ये साग को भी धो करके साफ किए थे, इसको भी डाल देते हैं। और इसको तब तक उबालेंगे जब तक इसका पानी आधा नहीं हो जाता है, आधा हो जाएगा उसके बाद में हम इसको उतार देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें हमने एक मग पानी डाल दिया है और साग को भी डाल दिए हैं और उबालते उबालते एक मग पानी आधा हो जाना चाहिए। ये तैयार हो गया होगा दोस्तों, हमने ढक्कन लगा दिया था। ये पूरी तरह से तैयार हो गया है, हमने इसमें एक मग पानी डाला था, आधा से भी और थोड़ा कम हो गया है, अभी हम इसको उतार देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, साग उबल करके पानी भी हरा हरा हो गया है, अभी हम इसको छलनी करके रख देते हैं। Thank you.
ये पानी को हमने छलनी कर दिया है, ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा लाल लाल दिख रहा है, और इसको ठंडा होने देते हैं। ये साग भी उबल करके पूरी तरह से पक चुका है, इसको पकाने के लिए थोड़ा सा हम हल्का नमक डालेंगे और एक ठू टमाटर उसका आधा टुकड़ा काट करके डाल देंगे। इसमें हम तेल वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इतना सा हम टमाटर काट लिए हैं, इसको मिला देते हैं इसमें। और ये थोड़ा सा नमक लिए हैं, इसको भी डाल देते हैं। और इसको दोबारा से हम चढ़ा दिए चूल्हा में, और टमाटर और नमक को साग में मिला देते हैं चला करके। और इसको अभी ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा टमाटर पक जाना चाहिए और नमक मिल जाना चाहिए। और इसमें ढक्कन लगा देते हैं और आग थोड़ा तेज कर देते हैं। ये है दोस्तों डांगरकांटा का साग, जो कि हम लोग पौधा भी लेकर के आए थे और यहाँ पर लगा दिए हैं, ताकि बराबर हमारे आंगन में होते रहेगा, तो समय समय पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ये है, और ये तो घास है इधर साइड में, इसको हटा देते हैं। ये घास है और इसी को लगा के रखें, ये देख सकते हैं यहाँ मिट्टी में हम लोग तोप दिए हैं, क्योंकि हम लोग बर्तन वगैरह धोते हैं तो उसी समय यहाँ थोड़ा बहुत पानी हम लोग डाल दिया करेंगे। ये पक गया होगा दोस्तों, ढक्कन उठाते हैं। ये खूब मस्त पक गया है दोस्तों, हमने इसको कूट दिया था। टमाटर भी पूरी तरह से गल चुका है और साग भी पूरा गल गया है, पहले से उबल गया था तो और थोड़ा पका दिया तो पूरी तरह से साग भी गल गया है। अब इसको खाने में बहुत ही अच्छा लगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हमने कूट कूट करके इसको तोड़ दिया है और साग पूरी तरह से गल गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, खूब मस्त पक गया है। अब हम इसको उतार देंगे, इसको प्लेट में निकाल देते हैं। ये प्लेट में निकाल दिए, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, अभी ये गर्म है और ये पानी भी ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा हल्का गर्म है, अभी भी धुआं निकल रहा है। ये पानी भी ठंडा हो चुका है दोस्तों, इसको हम लोग जितना चाय पीते हैं उतना ही पीना है। ये कांच का गिलास ले लिए हैं, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। और ये साग भी है, इसको भी हम थोड़ा सा खाएँगे। अभी खाली पेट खाने से इसका फ़ायदा ज़्यादा करता है, थोड़ा सा साग खा करके देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। अच्छा ही है, थोड़ा सा तीतापन लगता है, इसको आराम से खाया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये पानी है दोस्तों, और इसको भी खाली पेट ही पीना है, थोड़ा सा हल्का गर्म है, इसको ठंडा करके अभी हम रखे रहेंगे और रोज़ सुबह खाली पेट में पियेंगे। इसका नियमित सेवन करने से, इसी तरह बना करके खाने से इसका लाभ मिलता है, और तेल मसाला वगैरह डाल करके खाने से इसका लाभ नहीं मिलता है। तो इसको इसी तरह आप लोग भी, कभी अगर आप लोग का शरीर में भी खून का कमी महसूस होगा तो इसका सेवन इसी तरह बना करके आप लोग खाइएगा, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, स्वाद भी अच्छा ही है साग का भी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।